तो हमने नेटवर्किंग डिवाइस स्विच के बारे में हमने देख लिया था, और राउटिंग पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्विचिंग, ठीक है, स्विच की तरफ मूव कर रहे हैं। स्विच में, स्विचिंग में तो आपको इतना नाम से पता लगे, स्विच डिवाइस से हो जाएगा। स्विच का आपको मतलब पता ही है कैसे कैसे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता है क्या करता है वो स्विच, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं स्विचिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि स्विचिंग क्या होती है, ठीक है। स्विचिंग, व्हाट इज स्विचिंग? ओके, तो स्विचिंग क्या है? स्विचिंग क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन में। इट इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है, जैसे राउटिंग भी प्रोसेस होती है ना, स्विचिंग भी प्रोसेस है। किसका है? इन विच डेटा विल मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब आप ये हो गए, तो राउटिंग में भी होता था, राउटर भी तो करता था सोर्स से डेस्टिनेशन, हाँ ये करता था, यही स्विचिंग होती है, ठीक है, यही स्विचिंग होती है। इट इज अ प्रोसेस, वहां पर हमारा डेटा स्विच होता था राउटर में, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच, ये स्विचिंग तो है ऑन ऑफ करना, स्विच से डेस्टिनेशन, ठीक है। तो स्विचिंग आपकी दो टाइप की होती है, स्विचिंग आपकी दो टाइप की होती है, एक तो एल टू स्विचिंग होती है, एक होती है एल थ्री स्विचिंग। एल थ्री स्विचिंग कौन करता है? राउटर, जो आप पढ़ चुके हो राउटिंग वगैरह में, ठीक है। हमारा राउटर था एल थ्री, बताऊंगा मैं एल थ्री स्विचिंग क्यों बोलते हैं उसको भी, ठीक है। और एल टू पे क्या है, आपके कौन करते हैं? स्विच वगैरह करते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, देखो सबसे पहले तो एक मिनट को, सबसे पहले तो ये डायग्राम समझो, ये कोई स्विच है और इधर कोई कंप्यूटर कनेक्टेड है इससे, और एक कंप्यूटर इधर कनेक्टेड है, ए ये रहा, बी कंप्यूटर ये रहा, ठीक है। अब ए को कुछ डेटा भेजना है, ए को क्या भेजना है? डेटा भेजना है, ठीक है। स्विच के पास जाएगा, तो स्विच के पास जाएगा, स्विच का देखेगा, स्विच का देखेगा, स्विच ने देखा कि ए ने मेरे को कुछ डेटा दिया है, और उसे डेटा कहाँ भेजना है? बी पे भेजना है, ठीक है, ये भेजेगा बी पे, बी पे भेजना, बी पे स्विच का देखेगा कि ओके बी पे भेजना डेटा, ओके तो बी कौन, मेरे कौन से वाले पोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। क्या बी कनेक्टेड है? नहीं, अगर कनेक्टेड है तो कौन से वाले पोर्ट से कनेक्टेड है? वो बोलेगा कि अच्छा मेरे इस ये कौन सा पोर्ट है, सपोज 0/2 है, 0/1 है, 0/2 पे कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, 0/2 से एग्जिट कर देगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या हुआ, स्विचिंग का कह दिया आपने, सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेटा पहुंचा दिया किसने, स्विच के थ्रू, ये हो गया आपकी स्विचिंग, ओके। चलो ये बात तो क्लियर है, स्विचिंग पता लग गया आपने, ठीक है। और जो स्विचिंग होगी, जो स्विच होगा, जो ये स्विच होता है ना, ये डेस्टिनेशन को देख के, डेस्टिनेशन को दिखाना है, डेस्टिनेशन को दिखाना है कि बी को भेजना, बी को देखना, बी को भेजना डेटा, तो बी को देख के उसने डिसीजन लिया है, बी को देख के डिसीजन लिया है, ठीक है भाई। ए टू सी भी तो हो सकता था, बी भी हो सकता था, डी भी, क्या पता है यहाँ पे एक और डिवाइस होता सी, तो इसने देखा ना ए टू बी जाना, तो बी को भेज रहा है, तो इसको क्या बोला, स्विचिंग बोल दिया। अब बात करते हैं, जो मैं बात कर रहा था टाइप ऑफ स्विचिंग है, देखो एल एक होती है एल टू स्विचिंग, एक होती है एल थ्री स्विचिंग। जो एल टू स्विचिंग में क्या होगा, डेटा आपका मूव होगा इसमें, नो डाउट डेटा मूव होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। लेकिन किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एल टू एड्रेस, ठीक है। नीचे भी, नीचे इसमें क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एल थ्री एड्रेस, एल थ्री एड्रेस कौन सा था, वो जो लेयर थ्री पे लगता है आईपी प्रोटोकॉल वगैरह, और एल टू एड्रेस कौन सा होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। अब आपको जो स्विच है ना, जो स्विच है, एक एल टू डिवाइस है, जो नॉर्मल स्विच होते हैं वो एल टू डिवाइस होते हैं, वो एल थ्री को समझते नहीं है, वो एल थ्री हेडर को समझेंगे नहीं, वो सिर्फ एल टू बेस पे ही डिसीजन लेंगे अपना, ठीक है। यहाँ पे कोई पीसी लगा है, स्विच के पास आया, तो यहाँ पे तो पूरा आएगा, एल थ्री भी होगा, एल टू भी होगा, एल वन भी है, ठीक है, बाकी के लेयर सातों भी, सातों लेयर अटैच है, लेकिन स्विच क्या देखेगा, सिर्फ एल टू लेयर टू, जो लेयर टू पे अटैच है ना, लेयर टू पे इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करेगा, उसी के बेस पे डिसीजन लेगा, उसी के बेस पे क्या करा देगा, स्विचिंग करा देगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। लेकिन वही काम राउटर क्या करता है, राउटर क्या करता है, एल थ्री लुकअप करता है, एल थ्री मतलब जो राउटिंग टेबल भी लुकअप करता है, ठीक है। एल थ्री पे सोर्स आई पी क्या है, डेस्टिनेशन आई पी क्या है, वो सारी चीजें लुकअप करता है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, वो क्या है, एल थ्री लुकअप कर रहा है, स्विच हमारा एल थ्री लुकअप नहीं कर सकता नॉर्मल स्विच। आज के टाइम में एल थ्री स्विच आ गए हैं, वो बात अलग है, वो एज ए राउटर भी ट्रीट करते हैं, उनको छोड़ दें, जो हमारा जो बेसिक स्विच है, ट्रेडिशनल स्विच थे वो एल टू ही थे,
वो सिर्फ L2 हेडर को ही समझ सकते हैं। L2 हेडर पे क्या अटैच होता था, वो सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे सोर्स मैक क्या, डेस्टिनेशन मैक क्या, उसी के बेस पे डिसीजन लेगा ये स्विच। ठीक है, तो आगे इसमें है, एक मिनट में, मैं एक बार करिए ना, बंद बंद करिए। आई होप ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार और बता देता हूँ। ये स्विच है, ये पीसी है, सपोज करो इसका मैक है 0B, इसका मैक है 0A। ठीक है, अब इसको, और 10.1 इसकी आईपी है, इसकी आईपी है 10.2। ठीक है, अब इसको 10.1 को 10.2 को डेटा भेजना, तो डेटा बनेगा। ओके, ठीक है, 10.1 10.2 कहाँ जाएगा, L3 पे जाएगा, L2 पे जाएगा, L2 पे जाएगा, OA डेस्टिनेशन सपोज करो इसे पता है अभी, OB। ठीक है, OA OB ये कहाँ जाएगा, सपोज करो 0/1 है, 0/2 है। अब स्विच के पास जाएगा, 0/1 के पास आएगा ये। ठीक है, स्विच के पास आएगा 0/1 के पास। अब स्विच देखे लेगा ना कि भाई OB कहाँ कनेक्टेड है, OB कहाँ कनेक्टेड है, 0/2 से। तो ये क्या करेगा, 0/2 से उसको एग्जिट कर देगा। ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर देगा। ओके, 0/B के, ये 0 OB या फिर 0B के पास आ गया। ओके, तो ऐसे ही OB क्या करेगा, फिर सप्लाई देगा, सप्लाई में क्या देगा, उल्टा हो जाएगा, 10.2 10.1 डेस्टिनेशन बन जाएगा, OB सोर्स हो जाएगा, और OA क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन। सिंपल, 0/1 से वो एग्जिट कर देगा। तो ये क्या आपका स्विचिंग स्विचिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या आपका स्विचिंग प्रोसेस है। ओके, तो हमारा अभी मेन फोकस किस पर रहेगा, L2 स्विच पर रहेगा। हमारा फोकस किस पर रहेगा, L2 स्विच पर। देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ L2 स्विच। देखो, जो हमारे L2 स्विच होता है ना, इसके भी कई सारे टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं इसके। कौन कौन से, नंबर वन होता है ईथरनेट, सेकंड होता है आपका फ्रेम रिले, स्विच, और थर्ड होता है कि ATM स्विच भी होते थे पहले। ठीक है, जो ईथरनेट स्विच है ना, वो किसके किसके बेस पे डिसीजन लेता है, डेस्टिनेशन में क्या चेक करता है, वो चेक करता है मैक एड्रेस। ठीक है, फ्रेम डेस्टिनेशन में चेक करना है, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, वो एड्रेस का देता है मैक एड्रेस। फ्रेम रिले में क्या देखते हैं, कुछ ये अलग टेक्नोलॉजी है, वो देखते हैं DLCI एड्रेस। ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, यूज नहीं होती। ATM भी एक रजिस्ट्रेशन, ये इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सब क्या है, दोनों ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। तो आप आज के टाइम में इथरनेट स्विच यूज करोगे, क्यों, आज के टाइम में तो इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज होती है ना, आपके पास इथरनेट टेक्नोलॉजी है, लैन एनवायरनमेंट में, ठीक है, इथरनेट टेक्नोलॉजी है, जैसे ये पीसी है। ठीक है, तो अब स्विच यहाँ पे क्या है, ये केबल भी कौन सी लगती है आपकी, इथरनेट, इथरनेट केबल, या फिर इसको लैन केबल भी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि लैन एनवायरनमेंट है, इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज होती है, इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए आपको इथरनेट स्विच भी लगाने होंगे। ठीक है, और ये लैन कार्ड में लगती है ना, केवल इस लैन कार्ड को हम पता है क्या बोल देते हैं, इथरनेट कार्ड। ठीक है, तो टोटली इथरनेट बेस है, सारा इथरनेट है इधर, तो हम इथरनेट स्विच के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने देखा जो ये स्विच है, ठीक है, इसके पास डेटा आया, डेटा आएगा,
यहाँ से जाएगा, एग्जिट होगा, एंट्री होगी, भाई यहाँ पे एंट्री हुआ फिर यहाँ पे क्या हो गया, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी ना। तो ये देखो ये इथरनेट, हम इथरनेट ही पढ़ेंगे ठीक है, इथरनेट के बारे में ही पढ़ेंगे ठीक है। तो आजकल तो इथरनेट टेक्नोलॉजी होती है ठीक है, तो इथरनेट के बारे में डिस्कस करके, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो स्विच है ना कुछ प्रोसेसिंग करेगा, एंट्री किया या फिर ट्रैफिक एंटर हुआ है ठीक है, या फिर प्रोसेसिंग होगी ना कुछ फिर एक्टिवेट होगा। तो प्रोसेसिंग के बारे में देखते हैं कि प्रोसेसिंग हो क्या क्या रही है, ये जो प्रोसेसिंग है इसमें क्या क्या हो रहा है ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्विच हमेशा दो काम करता है, क्या करता है, नंबर वन एक तो एड्रेस लर्न करता है, क्या करता है एड्रेस लर्न ठीक है, और सेकंड क्या करता है फॉरवर्ड डिसीजन लेता है। भाई ये दो काम तो जरूर करता है, एड्रेस लर्न एंड फॉरवर्ड डिसीजन ठीक है। ये मैं आपको कल बता दूं, कल से यहां से कंटिन्यू करें। हाँ जी, कोई नहीं, कल से करते हैं। हाँ इसको ना मैं कल से यहाँ से ब्रीफ में करेंगे। हाँ एड्रेस रन ये चीज़ याद रखना, लेकिन जो बताइए, और ये दो दो टास्क हमेशा रखेगा स्विच, एड्रेस रन और फॉरवर्ड डिसीजन, ये देखेंगे कि ये कैसे कैसे करेगा ठीक है। मतलब क्या एक, हाँ वो आर्क वाली वीडियो रिवाइज करके आना कल, जो आर्क वाली वीडियो काम आएगी, मैं लिंक दे दूंगा तुम्हारा, वहां पे एड्रेस रन काम आएगा ठीक है। चलो मैं रखता हूँ, आर्क वाला जरूर रिवाइज करके आना, आर्क थिंग जो मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, ठीक रिलेटेड है, रिलेशन है इसमें, एड्रेस हाँ जी, हाँ रन जी, बिल्कुल, क्योंकि लेयर 2 पे ही है ना ये सारा स्विचिंग। तो बताओ।